नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई रजनीश कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान जगत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म के बारे में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म आ चुका है, जिसका स्टार्टिंग डेट 18 मार्च 2020 है और लास्ट डेट 17 अप्रैल 2020 तक है। इस फॉर्म फिलअप का पेमेंट दो तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें पहला है ऑनलाइन पेमेंट, जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल 2020, और दूसरा तरीका है ऑफलाइन पेमेंट मोड, जिसका लास्ट डेट 18 अप्रैल 2020 तक है। अगर इस फॉर्म को भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का भी डेट दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिया गया है। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 के एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड 30 अप्रैल 2020 तक लागू कर दिया जाएगा और यह एग्जाम लगभग 9 मई और 10 मई को लिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को ऑर्गेनाइज बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BCECE द्वारा कराया जाता है, जिसको हम डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी कहते हैं, जो कि DCEC भी कहा जाता है, जो राज्य स्तर पर होता है। यह साल में एक ही बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। दोस्तों, इसमें आप बहुत तरह के कोर्स चुन सकते हैं, जिसमें से PE है यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, दूसरा है PPE यानी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, तीसरा PMD पारा मेडिकल डेंटल, और चौथा है PM यानी पारा मेडिकल। आइयो, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण हो सके तो बिहार पॉलिटेक्निक का डेट आगे बढ़ सकता है और हो सके तो नहीं भी बढ़े। इसलिए आप डेट को आगे बढ़ने का इंतजार ना करें, जल्दी करें, फॉर्म को भरें और आप अपनी तैयारी में लग जाएं। दोस्तों, इन चारों कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, जैसे कि PE यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की जो एज लिमिट होगी वो कुछ नहीं दिया गया है, वैसे ही PPE यानी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो एज लिमिट है वो मिनिमम 19 साल होना चाहिए 1 जुलाई 2020 तक, और पारा मेडिकल डेंटल यानी PMD का जो एज होना चाहिए वो 15 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक, और PM यानी पारा मेडिकल का जो एज होना चाहिए वो मिनिमम 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक। दोस्तों, इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में टोटल सीट 22,349 है, यानी आपके पास अच्छा खासा मौका है इसमें एडमिशन पाने का, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आपका एडमिशन इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में हो सके। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बताएंगे कि इस बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म को भरने वाले जो चारों कोर्स दिए हुए हैं उनका फ़ी क्या लगेगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि इस बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म को अलग अलग कोर्सेज को भरने के लिए आपको कितने रुपये पेड करने होंगे। तो अगर आप किसी एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो जनरल BC और ABC कैंडिडेट्स को 750 रुपये देने होंगे, जबकि SC ST कैंडिडेट और डिजेबल कोटा वाले कैंडिडेट्स को मात्र 480 रुपये लगेंगे। और अगर आप किन्हीं दो कोर्सेज को चुनते हैं तो जनरल BC ABC को 850 रुपये देने होंगे, जबकि SC ST और DQ वाले कोटा लोगों को 530 रुपये लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि तीन कोर्सेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दें, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि किसी ना एक में ना हो जाए, इसलिए वो सारे तीन तीन चुन लेते हैं या फिर अधिक भी चुनते हैं, तो अगर आप तीन कोर्सेज को चुनते हैं तो आपको जनरल BC EBC वाले कैंडिडेट्स को 950 रुपये देने होंगे, जबकि SC ST और डिजेबल कोटा यानी DQ वाले कैंडिडेट को 630 रुपये लेंगे। वैसे ही अगर आप चार कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो जनरल BC EBC वाले कैंडिडेट्स को 1150 रुपये, जबकि SC ST और DQ कोटा वाले कैंडिडेट्स को मात्र 730 रुपये लगेंगे। दोस्तों, अब हम आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताते हैं। तो अगर आप PE यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपको इसका कम से कम 10th पास होना चाहिए या फिर 10th के इक्विवेलेंट कोई और एग्ज़ाम पास करना होगा, मिनिमम 35% मार्क्स आपको होना चाहिए, या फिर आप 10th के अपीयरिंग स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अगर आप हैं अपीयरिंग स्टूडेंट तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही अगर आप PPE यानी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10th या 10th के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास करना होगा, और उसके साथ साथ 2 साल का ITI कोर्सेज भी आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, PMD के बारे में बताते हैं यानी पारा मेडिकल डेंटल। इसका एग्ज़ाम देने के लिए आपको 10th पास या 10th के इक्विवेलेंट कोई और एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, जिसमें आपको साइंस इंग्लिश सब्जेक्ट एकदम नेसेसरी है, या फिर आप 10th के अगर अपीयरिंग स्टूडेंट हैं फिर भी आप PMD का फॉर्म भर सकते हैं। और आगे है PM यानी पारा मेडिकल। दोस्तों, पारा मेडिकल में यहाँ पर 4 प्रकार के कोर्स रहते हैं, हम आपको चारों के बारे में अलग अलग बताते हैं। तो दोस्तों, पारा मेडिकल के अंदर जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनमें पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ISC या फिर ISC के समकक्ष कोई एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना नेसेसरी है। दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है, इस कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर के द्वारा जो दवाई लिखी जाती है उसके लिए आप मेडिकल खोल सकते हैं,
इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा है GNM, यानी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी, यानी सामान्य पोषण एवं दाई। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो 10+2 या फिर इसी के कोई इक्विवेलेंट एग्जाम पास होना चाहिए, कम से कम 40% मार्क्स के साथ, और साइंस सब्जेक्ट इसमें नेसेसरी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, और इंग्लिश भी होना चाहिए दोस्तों। इसमें SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं ANM के बारे में, यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, इसका मतलब है सहायक नर्स मिडवाइफरी। इसमें आपको कम से कम इंटरमीडिएट पास करना होगा 40% मार्क्स के साथ, और आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है रेस्ट कोर्सेज के लिए, यानी कुछ अन्य कोर्स जो होते हैं पैरामेडिकल के अंदर, तो उनके लिए भी आपको ISC का एग्ज़ाम पास करना होगा, या फिर ISC के एग्ज़ाम के समकक्ष कोई और एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट नेसेसरी होना चाहिए। अब हम आपको बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो PE और PP यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम जो होता है एक साथ होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 होते हैं और टोटल मार्क्स आपको 450 होते हैं। आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कि फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे। वैसे ही पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में भी आपको टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 450 मार्क्स होंगे और समय आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, अरिथमेटिक एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, हिंदी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है PMD यानी पैरामेडिकल डेंटल, जिसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 होते हैं, टोटल मार्क्स 450, समय 2 घंटा 15 मिनट, जिसमें फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन के साथ जनरल नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आप सभी को मेरे और हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को बिहार पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए या फिर इसके सिलेबस के बारे में कुछ और जानकारी लेनी हो, तो आप हमें Instagram ID या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, हम उसका जवाब आप तक लाएंगे। भाइयों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप हमें Instagram और Facebook ID पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई परिवार इस फॉर्म को भरने से वंचित ना रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।